those with comorbidities, those with a particular age, senior citizens, उनके लिए ये और भी जरूरी है. But the fact that the number of cases are increasing in quite a few prominent and big countries of the world, from where travel is very common to our country, we should be really vigilant. बहुत सारा देशों में कोविड बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है. तो कोविड जैसे हो गया है, जैसे सीजनल डिजीज जैसा हो गया है. जो जीरो कोविड पॉलिसी चाइना एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, नाउ वी कैन क्लियरली सी कि इट वॉज बिग फेलियर. कोरोना का दहशत एक बार फिर से दुनिया और खासकर चीन में देखा जा रहा है. चीन में एक बार फिर सभी अस्पताल भरने लगे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, जमीन पर लेटाकर लोगों का इलाज हो रहा है, मरीजों के साथ डॉक्टरों की भी हालत खराब है. हैरान कर देने वाली मौत के आंकड़े हर रोज सामने आ रहे हैं. सारी दवाएं खत्म हो रही है, सामूहिक अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, और इन सब की वजह है कोरोना का नया वेरिएंट BF7. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है और सबसे तेजी से फैलने वाला है. तो चलिए आपको इस खतरनाक वेरिएंट के बारे में तफसील से बता देते हैं. तो सबसे पहले आपको बता दें कि असल में ये वेरिएंट BF7 है क्या. दरअसल कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, और इसके कई सब वेरिएंट हैं, जैसे BA1, BA2, BA5. इसी तरह ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है BA5217, जिसे मिलाकर शॉर्ट में BF7 कहा जा रहा है. BF7 वेरिएंट को अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है. ये वेरिएंट वैक्सीन के कवच को भी तोड़ने में सक्षम है. BF7 वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है, जिसका नाम है R346TI. इस वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है. वहीं एक आंकड़े के मुताबिक चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग इस वेरिएंट की चपेट में आ सकते हैं. इतनी बड़ी संख्या में इस वेरिएंट की चपेट में आने की वजह चीनियों की कमजोर इम्यूनिटी भी हो सकती है. वहीं इस वेरिएंट से हुई मौत को चीनी सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है. चीन ने 19 दिसंबर को कोरोना से 7 मौत होने की जानकारी दी थी, लेकिन हकीकत यह है कि बीजिंग के शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, यहां तक कि संयुक्त अंतिम संस्कार भी हो रहे हैं. वहीं एक दावे के मुताबिक चीन में अगले कुछ महीनों में कोरोना के नए वेरिएंट से 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है. वहीं भारत सरकार ने भी ओमिक्रॉन के इस नए और सबसे खतरनाक वेरिएंट को देखते हुए समीक्षा बैठक की है और सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक और जानलेवा है. इसलिए अभी से ही सावधानी बरतनी शुरू कर दें, नहीं तो आपको याद ही होगा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने कितनों का घर उजाड़ दिया है. इसलिए सावधानी ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है.